हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। एक तरफ से ये लेटेस्ट वीडियो है जो मतलब अभी तक कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। मैं पहले बता देती, जो आर्मी ऑडियंस का अभी एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों को अब ये डाउट है कि अब एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको मैं शॉर्ट में DV हम बोलते हैं। तो आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, ठीक है। जैसे अगर ये वीक में आपका रिजल्ट निकला है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आपका रिजल्ट निकला है, उसके बाद अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका DV का डेट आ जाएगा कि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। बट मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये प्रॉपर आज मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वो इसलिए देने वाली हूँ इतना जल्दी, क्योंकि कैसा होता है कि कोई भी सर्टिफिकेट एक दिन में या दो में, एक महीने में नहीं बन जाता। एक या दो दिन मतलब बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा होता है। तो मैं अभी से आपको पूरा DV की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आप अभी से जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं हैं, वो अभी से आप प्रिपेयर होकर सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से बनवा के रख लीजिए, क्योंकि DV की डेट आने के बाद आप वहाँ पर इतने जल्दी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको पूरा डॉक्यूमेंट्स को वापस से बनवाना। कोई भी अगर आपके पास कुछ अब्सेंस है, कोई भी चीज़ की अगर कमी है, तो आप इतने जल्दी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वापस से एक या दो दिन में नहीं बनवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो DV की वीडियो अभी आपके लिए इतना जल्दी लेके आई हूँ कि अभी से आप सारा डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि अगर आपके पास एग्जैक्ट पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। यस फ्रेंड, बहुत मैंने स्टूडेंट से बात किया है, सारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे निकले हैं जिसके पास DV का प्रॉब्लम, कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आने की वजह से उनको निकाल दिया गया और इस जॉब को रखा नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कानून है आपका, ये लॉ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपको कहीं पर भी जॉब पर नहीं रखा जाएगा। इसलिए आपको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से DV की इन्फॉर्मेशन पूरा लेना है, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए इसलिए ये वीडियो मैं अभी से बना रही हूँ, पूरा DV की इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आपको लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देता है, प्लस आपको छोटे छोटे चीज़ों से अलर्ट भी कराता है कि आप ऐसा करके जाओ नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। सारे इन्फॉर्मेशन स्मार्ट नौकरी चैनल पूरी वेलफेयर के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे कि वो क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या DV में एग्जैक्ट आपको पूरा लेके जाना है। मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आर्मी ऑडियंस क्रॉप ट्रेड्समैन के लिए ही है सिर्फ, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्यूमेंट DV का सब कुछ होता है, इसके लिए अलग है। एजुकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, यस, एजुकेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। वैसे ये एग्ज़ाम 10th लेवल का था, ठीक है। तो जिन लोगों ने 10th के बाद 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वो सारा सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे वहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सिर्फ 10th लेवल का, तो 10th का कंपलसरी आपको लेके जाना है, ठीक है। तो 10th का भी क्या होता है, एक तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, एक पासिंग सर्टिफिकेट था, दोनों का ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ना कि जेरोक्स कॉपी। ऐसा कुछ जेरोक्स कॉपी भी आपको लेके जाना, बता रही हूँ आपको अच्छे तरीके से। आपको पहले दोनों ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, एक तो आपको जो मेन ओरिजिनल होता है वो, उसके बाद एक जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ये दोनों आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है वहाँ पे। उसके बाद मैं जेरोक्स का आपको लास्ट में बताती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट की पे मैं आ जाती हूँ आपको। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, OBC, SC, ST ऐसा है, ठीक है। तो OBC में कैसा होता है, जनरल कैटेगरी तो कुछ मतलब ही नहीं, मैं OBC की बात करती हूँ। OBC में अब एक नया रूल्स निकला है कि आपके पास वैलिड डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी ये 2019 चल रहा है, तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 2019 का ही होना चाहिए, 2018 या 17 का नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना चेंज नहीं करवाया डेट, तो प्लीज़ जाके जल्दी से चेंज करवा के डेट अभी करंट डेटा ही लेके करो, क्योंकि अब OBC के सर्टिफिकेट में चेंजेस लाया गया है कि आपके पास हर साल आपका डॉक्यूमेंट चेंज होना चाहिए और आपके पास करंट वैलिड डेट का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। OBC की बात कर रही हूँ मैं आप पे, ठीक है। OBC के सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ मैं, उसमें वैलिड डेट होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ SC और ST कास्ट की, ठीक है। जो SC है और जो ST है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग से मतलब थोड़ा सा उसका हैंड राइटिंग, एक अलग से लिखावट है उसकी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वहाँ पे आप फॉलो किया जाएगा, आप स्टेट गवर्नमेंट का फॉलो नहीं किया जाएगा। तो जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, प्लीज़ अभी से बनवा के रख लो, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे डिग्री टाइम प्रॉब्लम आएगी, फिर आप निकाल दिए जाओगे, इसलिए अभी कुछ गड़बड़ ना हो पाए, इसलिए आप अभी से क्या कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा दीजिए। बस ये दो रूल्स ही है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबीसी का वैलिड डेट होना चाहिए, एससी एसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, बस। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो फोटो, ये तो सब बच्चों को पता है नॉर्मल क्या लेके जाना रहता है। मेन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अब जो भी आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, उसका दो दो झेरोक्स अपने पास आप लेके जाना, क्योंकि वो ओरिजिनल देखने के बाद क्या बोलेंगे, आप एक बंच करके मेरे मतलब जो भी उनका प्यून होता है या अलग होता है, उनको क्या बोलेंगे, आप वहाँ पर डेस्क पर क्या करो, जमा कर दो, ठीक है। तो आपको अलग से ओरिजिनल का बंच बनाना है और झेरोक्स का बंच अलग से आपको बना के वहाँ पर देना है। तो क्या क्या अपने पास डॉक्यूमेंट्स होगा, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल, उसके बाद झेरोक्स, आधार कार्ड, फोटोज़, ये सारे चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होगा, कुछ भी और कमेंट्स करना है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है आपको जो समझ में नहीं आया है, कुछ चीज़ें भी और भी हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, ये स्मार्ट नौकरी चैनल जरूर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने आपको बता दिया। डीवी के साथ साथ एक छोटा सा इंटरव्यू में थोड़े कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। वो टाइप क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए, डीवी के लिए आपको उस टाइम पे जाना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नए एडवाइस और सजेशन के साथ में। अगर आपको कुछ भी और डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।